हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? बस मैं आज आपको मॉर्निंग से नहीं, इवनिंग से मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं 2:04, दोपहर का टाइम है और मैंने आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं पूरा काम करके और थोड़ा लेट गई थी और बस अभी उठी हूँ और बस थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ। सोचा कि अब किचन में थोड़ी सी चाय वाय बना लेते हैं, बस यही। और आज बच्चे बोल रहे हैं कि आज हम खाएंगे केक, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं बनाया। लॉकडाउन था जब 2 महीने पहले, तब हम लोगों ने केक बनाया था, उसके बाद अभी नहीं बनाया। और अभी उस बच्चे घर पे हैं तो कुछ ना कुछ उनको लगता ही रहता है, क्योंकि जब बिजी नहीं है ना, स्कूल जा नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ाई है नहीं अभी। साला मोबाइल ही बंद हो जाता है। कुछ पढ़ाई है नहीं, बस बच्चे दिन भर खेलना और दिन भर खाना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उनको। तो बस मैं ही किचन में आ गई हूँ, अभी बर्तन जमा रही हूँ, क्योंकि ये बर्तन 12 बजे जो खाना वाना खाया था लंच के वो ही हैं, तो इनको बस जमा देते हैं, उसके बाद अपन हम बनाएंगे केक। चलो देखते हैं कि केक कैसे बनाते हैं। तो बस यही वही चल रहा है, केक की तैयारी करती हूँ मैं, थोड़े से बर्तन किचन के समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ मैं। आप सब भी बताना कि आपके बच्चे क्या क्या फरमाइश करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ तो मम्मी होन का बस यही काम है, दिन भर बनाना, दिन भर खाना और खुद भी खा लेना। तो बस यही हम केक बनाने की तैयारी कर देते हैं। चलो, और यहाँ मैंने एक कटोरी लिया है मैदा, मैं यहाँ पे एक कटोरी ही मैदा लूँगी और एक कटोरी शक्कर। आप यदि एक कटोरी मैदा ले रहे हो तो एक कटोरी शक्कर ही लीजिए, ताकि वो बैलेंस में रहता है, एक कटोरी शक्कर एक कटोरी मैदा, तो ना ज़्यादा वो फीका होता है ना मीठा होता है, मतलब प्रॉपर बैलेंस में रहता है वो। तो बस यही मैंने एक कटोरी मैदा और एक कटोरी शक्कर, यहाँ मैं शक्कर ले रही हूँ और शक्कर को मैं अच्छे से छान लूँगी, क्योंकि कितना भी थोड़ा पीसो वो थोड़ा इतना बारीक नहीं हो पाता है, मतलब फिर भी कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता है। तो आप पहले उसे अच्छे से छान लीजिएगा और छानने के बाद ही उसमें बाकी का सामान मिलाइएगा। तो बस मैं यहाँ पर शक्कर ले रही हूँ और इसको छलनी में डाल के अच्छे से छान लूँगी, ताकि वो अच्छे से छन जाए। तो बस मैं यहीं छान रही, और छानने के बाद मैं इसमें मिलाऊंगी घी मिलाऊंगी, मैं बटर नहीं मिलाऊंगी। आपके पास बटर हो तो आप बटर मिला सकते हो, यहाँ पे मेरे पास बटर नहीं है, वरना आप बटर भी मिलाइए, क्योंकि बटर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर और सॉफ्टनेस ज़्यादा और अच्छे से आती है खिल के। तो मेरे पास बटर तो नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसमें घी मिलाऊंगी। तो बस मैं यहाँ पे शक्कर छान लूँगी और इसमें मिलाऊँगी फिर मैं घी। तो घी में एक कटोरी मैदे के हिसाब से इसमें मैं 3 चम्मच, जो बड़ी पोहे वाली जो चम्मच आती नाश्ते वाली, वो चम्मच से मैं 3 चम्मच के लगभग इसमें घी मिलाऊँगी और 2 चम्मच के लगभग इसमें रिफाइंड तेल, मतलब जो आलू तेल रहता है सब्जी का, वो नॉर्मल सब्जी का तेल इसमें डालिएगा। तो मैं बस वहीं इसमें घी और यहाँ तेल डालूँगी, इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिलाऊँगी। जब तक ये घी और शक्कर ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक मैं इसे मिलाऊँगी, और इसके बाद मैं इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग हैं, तो मैं बेकिंग पाउडर जो रहता है उसे थोड़ा कम डालूँगी, बिल्कुल आप मान के चलो 1 पिंच, मतलब तो आधी चम्मच से भी बहुत कम, थोड़ा सा। और इसके बाद मैं डालूँगी मीठा सोडा। तो और इसके बाद इसमें कोको पाउडर है तो मैं कोको पाउडर मिलाऊँगी, और इसके बाद उसमें वेनिला एसेंस हो तो आप वेनिला एसेंस मिला सकते हो, और पहले मैं इसमें दूध मिलाऊंगी, दूध के बाद
अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा बेटर बन जाएगा। उसके बाद आप वेनिला एसेस डालिएगा, जब वो बेटर अच्छा पतला हो जाए उसके बाद आप वेनिला एसेस डालिएगा और बस अच्छे से फेंटिएगा उसे। तो बस मैं यहाँ पे कोको पाउडर मिला रही हूँ और इसके बाद में आधा नींबू, मैं इसमें आधा नींबू मिलाऊँगी, इस बैटर के अंदर मैं आधा नींबू मिलाऊँगी। और नींबू मिलाने के बाद हल्का सा एक पिंच बरोबर इसमें मैं नमक डालूँगी, क्योंकि नींबू और नमक डालने से जो उसका फ्लेवर और जो उसकी जो उसका टेस्ट रहता है उसमें बहुत अच्छा चेंज आता है। क्योंकि नमक और नींबू दोनों को आप मीठी चीज़ में डालोगे ना तो उसका फ्लेवर जो है उभर के आएगा, उसका जो स्वाद है वो उभर के आएगा। क्योंकि जो बेकिंग पाउडर डालते हैं अपन, बेकिंग सोडा डालते हैं, उससे उसका एक फ्लेवर आता है, तो वो फ्लेवर को कम करने के लिए आप उसमें नींबू और नमक डालोगे ना तो उसका फ्लेवर नहीं आएगा, उसका फ्लेवर और बहुत अच्छा आएगा, मतलब बहुत अच्छे से बनेगा वो। और फिर देखो मैंने यहाँ सारा सामान मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें मिल्क मिलाऊँगी। तो मिल्क यहाँ पे मुझे एक कटोरी मैदे पे मुझे सिर्फ आधी कटोरी दूध लगा था, इससे ज़्यादा नहीं लगा, तो मैं आधी कटोरी के लगभग यहाँ इसमें दूध मिलाऊँगी। आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं, शहद भी मिलाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हो। मैंने यहाँ शहद नहीं डाला क्योंकि ना मैं भूल गई थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि मुझे शहद डालना है, तो मैं इसमें यहाँ पे मैंने शहद नहीं डाला है। आप ज़रूर डालना क्योंकि शहद का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जब आप केक में डालते हो, तो आप ज़रूर डालना। और हमेशा याद रखना, कभी भी आप बेटर को मिलाते हो ना तो हमेशा उसे एक ही डायरेक्शन में मिलाइए। एक ही डायरेक्शन में मिलाने से क्या होता है कि वो अच्छे से फूलता है। अपन कोई सी भी डायरेक्शन में कैसे भी घुमाते ना उससे अच्छे से नहीं होता, एक डायरेक्शन का अच्छा फूलेगा भी और ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। तो आप ना हमेशा इसको एक ही डायरेक्शन में हिलाना बेटर को और अच्छे से फेंटना, ताकि वो एक जैसा हो जाए और बिल्कुल लगे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल मक्खन की तरह। तो बस इसको एक ही साइड अच्छे से हिलाना। और
मेरा यम्मी केक बन गया। देखो कितना अच्छा केक बना है, बिल्कुल देखो सॉफ्ट सॉफ्ट है ये देखो, और खाने में भी बहुत टेस्टी था। बच्चों ने खाया है, बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना है और बिल्कुल सॉफ्ट बना है ना। ये देखिए खाने में बच्चों को बहुत पसंद आया है, क्योंकि बहुत दिनों में अभी बनाया है। ये देखिए